इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस किया था। अब आप सोचोगे, सर हम इतनी सारी प्रॉपर्टीज को कैसे याद करेंगे? ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है लर्न करना रिएक्शंस को। इसके लिए हमारे पास में एक ट्रिक है। ओके, हम सारी रिएक्शंस को, जितने भी हमने इथेनॉल की रिएक्शन पढ़ी हैं, एक ही बार में एक पेपर पर राइट कर लेंगे और उस पेपर को दो चार बार पढ़ेंगे तो सारी केमिकल रिएक्शंस ईजिली लर्न कर पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ पे रख लिया इथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, याद करिए पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी। पहली केमिकल प्रॉपर्टी का नाम था कंबशन, ठीक है, जिसमें हमने इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ में गर्म किया था, याद है, जलाया था। और एक जनरल सी बात बताइए, जब भी हमने किसी अल्कोहल को, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसको हम बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस वाटर मिलेगा, प्लस हीट, प्लस लाइट। ये एनर्जी निकल जाएगी हीट की फॉर्म में और लाइट की फॉर्म में, करेक्ट स्टूडेंट। सेकेंड रिएक्शन आप याद करिए, सेकेंड रिएक्शन हमने की थी ऑक्सीडेशन। कौन सी की थी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से की थी? NaOH प्लस KMnO4 एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, जो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन देता है। यहाँ पर हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे। ओके, रिएक्शन आपको बैलेंस करना आना चाहिए खुद से, नहीं आता है तो इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे या बनाई हुई होगी, आप चेक करिएगा प्लेलिस्ट में। तो ऑक्सीडेशन करते हैं, यहाँ पर भी एक जनरल बात बताई थी, कोई भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो उतने ही कार्बन वाला आपको कार्बोक्जिलिक एसिड मिलेगा। यहाँ पे दो कार्बन वाला अल्कोहल है तो दो कार्बन वाला कार्बोक्जिलिक एसिड बना दीजिए। तीन कार्बन वाला अल्कोहल होता, तीन कार्बन वाला कार्बोक्जिलिक एसिड बना दीजिए। दो कार्बन वाला कार्बोक्जिलिक एसिड बनाइए CH, ये तो कार्बोक्जिलिक एसिड प्लस वाटर भी बनेगा, करेक्ट। बैलेंस नहीं हो पाएगा चार्ट में, रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पाएंगे हम। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी याद करो स्टूडेंट, तीसरी प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विद सोडियम। अगर हम अल्कोहल को सोडियम के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? हमने बताया था यहाँ से इस H को हटाइए और कंपाउंड बनेगा C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन अल्कोहल का टेस्ट भी होता है। अगर हमको गिवन कंपाउंड को पता करना है अल्कोहल है या नहीं है तो थोड़ा सा लो सोडियम का पीस और डाल दो, और गैस हाइड्रोजन निकल रही है तो इसका मतलब कंपाउंड अल्कोहल है, गैस हाइड्रोजन नहीं है तो कोई और कंपाउंड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, अगर आप लोगों को याद हो, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी स्टूडेंट? डिहाइड्रेशन, जिसमें हमने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में अल्कोहल को गर्म किया था समथिंग 273 केल्विन पर। ओके, 273 केल्विन था। तो क्या बताया था? डिहाइड्रेशन का मतलब ध्यान रखो, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालो पहले, बाकी जो बचा उसके साथ में लिख दो, एथीन मिलेगा आप लोगों को। ओके, इस कंपाउंड का नाम याद रखो, सोडियम एथॉक्साइड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम क्या था? इथेनोइक। नाम तो आप लोग लिख लोगे ना, इथेनोइक एसिड। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी याद करो? एस्टेरिफिकेशन। किसके साथ में गर्म करना है? ये अल्कोहल है, इसको किसी कार्बोक्जिलिक एसिड लाइक CH3COH के साथ में गर्म करो। किसकी प्रेजेंस में? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, जो किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो क्या बात बताई थी? अल्कोहल से एच और कार्बोक्जिलिक से OH निकाल दीजिए और बाकी जो बचा है उसको एज इट इज लिख दीजिए। पहले कार्बोक्जिलिक वाले पार्ट को लिखिएगा CH3CO, ओ C2H5 प्लस वाटर। इसका नाम कैसे बताया था? ये इथाइल ग्रुप है, दो कार्बन है तो एथ, बॉन्ड सिंगल है एन, OH, OH इज द सफिक्स ऑफ एस्टर ग्रुप। एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स, इस चार्ट को आप अपने कॉपी पे बनाइए। हमने 5 रिएक्शन लिखाई थी, 5 और रिएक्शन आप एक ही पेपर पे लिख लीजिए इस तरह से चार्ट की फॉर्म में, और दो चार बार उस चार्ट को आप पढ़ोगे अच्छे से तो सारी रिएक्शन आराम से याद हो जाएंगी।
कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन को हम एल्कोहल के टेस्ट की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। कोई आपसे कहे कि राइट टू टेस्ट फॉर एल्कोहल, एल्कोहल के लिए दो टेस्ट राइट करो, तो पहले लिखिए व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम देन इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड लाइक कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर देन इट फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर। ओके, मतलब एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन लिख दीजिए और ये वाली रिएक्शन लिख दीजिए, ये दो टेस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। ओके, बाय बाय।